दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि योनो ऐप की सहायता से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे SBI अकाउंट में या फिर किसी अदर बैंक के अकाउंट में, जैसे कि ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक और भी अन्य बैंक हैं, उसमें मतलब कि ऑनलाइन पैसा कैसे ट्रांसफर करें या फिर पेमेंट कैसे करें, उसके बारे में दोस्तों डिटेल में बताया गया। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार चंद्र है। दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने योनो ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको MPIN या फिर UID डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये बीच में योनो पे है, उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों योनो ऐप से पैसे ट्रांसफर करने के चार तरीके हैं। दोस्तों इन चारों तरीकों में से पहला तरीका है क्विक ट्रांसफर वाला तरीका है, और दोस्तों बाकी जो तीन अलग तरीके हैं उनका वीडियो मैं आने वाले समय में बनाकर डाल दूंगा। दोस्तों क्विक ट्रांसफर वाले तरीके में हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक दिन में मिनिमम 1 रुपये से लेकर अधिकतम या मैक्सिमम 25,000 रुपये तक एक दिन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर की ओर लेफ्ट की ओर जो क्विक ट्रांसफ़र अप टू 25,000 इंस्टेंटली, उस पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों नीचे की ओर लिखा हुआ है क्विक ट्रांसफ़र, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है दोस्तों सेलेक्ट बेनिफिशियरी बैंक। दोस्तों इसमें आपको जिनको भी पेमेंट करना है उनका मतलब बैंक का डिटेल देना है। तो दोस्तों उसके नीचे है SBI बेनिफिशियरी इज ए SBI अकाउंट होल्डर, मतलब दोस्तों मेरा तो जैसे अकाउंट SBI में है और मैं जिनको भी पेमेंट कर रहा हूँ उनका अकाउंट अगर SBI में है तो मैं पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, SBI बेनिफिशियरी इज ए SBI अकाउंट होल्डर वाले पर। दोस्तों उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है अदर बैंक, IFSC कोड रिक्वायर्ड। दोस्तों जैसे कि मेरा अकाउंट है SBI में, अब मुझे पैसा भेजना है पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर और भी बहुत सारे अन्य बैंक में मुझे जैसे पैसा भेजना है, तो मैं अदर बैंक IFSC कोड रिक्वायर्ड उस पर मुझे क्लिक कर देना है। दोस्तों इसमें आपको IFSC कोड की ज़रूरत भी पड़ेगी। दोस्तों उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ यू कैन आल्सो पे यूजिंग बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर MMID रिक्वायर्ड। दोस्तों अगर आपके पास MMID नंबर है तभी आप इस मतलब ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक SBI अकाउंट से किसी दूसरे SBI अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके बता रहा हूँ, तो दोस्तों उसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन SBI बेनिफिशियरी इज ए SBI अकाउंट होल्डर वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर है नीचे में सेलेक्ट अकाउंट, तो दोस्तों आपको जिस भी अकाउंट से आपको पेमेंट करना है उस अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है जिसका लास्ट 4 डिजिट है 2507। उसी तरह दोस्तों आपको अपना अकाउंट इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे है दोस्तों इंटर न्यू बेनिफिशियरी डिटेल्स, इसमें दोस्तों आपको जिनको भी पेमेंट करना है उनका सारा डिटेल इसमें रहेगा। नेम में दोस्तों जिनको पेमेंट करना है उनका नेम रहेगा, अकाउंट नंबर में उनका अकाउंट नंबर रहेगा, री एंटर अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर फिर से रहेगा दोस्तों। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जिनको पेमेंट कर रहे हैं उनके अकाउंट नंबर के बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि ये उन्हीं का अकाउंट नंबर है या नहीं, तो हम दोस्तों भेजने के लिए 1 रुपीज़ मतलब पहले भेज के देखते हैं। तो अगर आपको 1 रुपीज़ भेजना है दोस्तों, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है उसे टिक कर लेना है, सेंड ₹1 अस टेस्ट अमाउंट ऑप्शनल इफ नॉट श्योर अबाउट अकाउंट नंबर। तो जैसे ही आप दोस्तों इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो ये इंटर अमाउंट है उसमें दोस्तों ऑटोमेटिकली 1 रुपये सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको 1 रुपीज़ भेजना है तभी इस बॉक्स को टिक करें, वरना इस बॉक्स को टिक ना करें। उसके जस्ट नीचे है दोस्तों इंटर अमाउंट, तो दोस्तों आपको जितना भी अमाउंट का पेमेंट करना है वो अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। उसके जस्ट नीचे है दोस्तों सेलेक्ट ए पर्पस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों बहुत सारा पर्पस आ जाता है, इसमें से आपको कोई एक पर्पस को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स वाले पर्पस को सेलेक्ट कर लिया हूँ। देखिए दोस्तों जिनका मुझे पेमेंट करना है उनका सारा डिटेल मैंने इसमें डाल दिया है, नेम है, अकाउंट नंबर है
और इंटर अमाउंट में 25,000 रुपये है दोस्तों, और पर्पस है ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड्स। दोस्तों ये सारा डिटेल मिलाने के बाद नीचे नेक्स्ट है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस टाइप का रिव्यू डिटेल आ जाएगा, जिसमें आपको अपना सारा डिटेल एक बार मिला के क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है, और मिलाने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पर डाल लेना है। देखिए दोस्तों मैंने अपना ओटीपी इसमें डाल लिया है, और ओटीपी डालने के बाद दोस्तों नीचे की ओर जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, और हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एड बेनिफिशियरी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। दोस्तों इस पर आप क्लिक करके इनके डिटेल को आप सेव कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब भी आपको पेमेंट करना हो तो इनका नेम और अकाउंट नंबर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐड करके सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों इस लिंक पर जाकर आप मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल वाले आइकन पर आप जाकर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी नया नया वीडियो लाता रहूँगा उसका मतलब आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी।